पेज 689 699 और सावित्री ने अपनी बात रख दी है भगवान के सामने। अब मैं ये वर्ड भगवान यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है इस वर्ड में। आई कैन यूज़ द वर्ड सच्चिदानंद ब्रह्म तो, लेकिन भगवान इन द सेंस जैसे शेरविंद बता रहे हैं, सच्चिदानंद जिन्होंने सब अपने अंदर लिया हुआ है, सब चीज़ के अंदर समाए हुए हैं। तो वे कहते हैं कि सेम समस्या जो अशुपति ने जब डिवाइन मदर के सामने खड़े थे तो उन्होंने जो बात कही थी, अब इसको वो अपने तरह से बता रहे हैं। कह रहे सावित्री, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम धरती पे जाके युद्ध करना चाहती हो कि वहाँ प्रकाश स्थापित हो, आनंद स्थापित हो, हर एक व्यक्ति के हृदय से अज्ञान चला जाए, ये तुम चाह रही हो, लेकिन मनुष्य ये नहीं चाह रहा। क्या मनुष्य अभी तैयार है? और ये बात हम लोग पेज 689 पर में देखते हैं। सच्चिदानंद भगवान कहते हैं, हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयरर द हार्ट दैट हीट्स। कोई कोई हैं जिनको भगवान बुलाते हैं क्योंकि तैयार नहीं है लोग, और बुलाते भी हैं तो लोगों के पास कार्ड आता है कि भगवान का बुलावा आया है, कहते हैं अभी तो हमारे बच्चे की शादी होनी है, इतनी जल्दी कैसे चले जाएं। फिर थोड़ी देर बाद आता है, बच्चे की शादी हो गई, अब आ जाइए, अब थोड़ा पोते का मुखड़ा देख लें हम, पोती हुई है, पोता चाहिए, पोता भी भगवान ने दे दिया। अब भगवान देखिए उनकी भी शादी, थोड़ा तो इतना तो अब मनुष्य हैं, तो इसी में हमारा जीवन चला जाता है। उसके बाद भगवान का नहीं, ग्रेवयार्ड से कार्ड आता है, कौन सी जगह आपके लिए हम रिजर्व करें आपके नाम के साथ। हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयरर द हार्ट दैट हीड्स, ओनली इन एन अपलिफ्टिंग आवर ऑफ स्ट्रेस नहीं, द डोर्स ऑफ लाइट आर सील्ड टू कॉमन माइंड एंड अर्थ्स नीड्स नेल टू अर्थ द ह्यूमन मास। अर्थ्स नीड्स, वो भी हमारी बनाई हुई, 99% नीड्स बड़ी कम होती हैं। एक जगह माता जी कहती हैं कि नीड क्या होती है, एक बेसिक खाना हो जो आपको स्वस्थ रखे, क्या नीड्स होती है हमारी। फिर वो कहती हैं कि एक बार किसी ने पूछा कि क्या नीड्स हैं, नीड और डिसायर में अंतर, तो किसी ने कहा कि बाकी सब चीज़ तो मैं फल फूल तोड़ के खा लूँगा ये, लेकिन मुझे एक टूथब्रश चाहिए। तो माँ हंसते हुए कहती हैं कि वो इंडिया नहीं गया था, इंडिया में लोग बिना टूथब्रश के भी काम चला लेते हैं। तो नीड्स, अर्थ नीड्स नेल टू अर्थ द ह्यूमन मास, पूरे जीवन हम इसी नीड्स के, और ये बड़ा एडिक्शन है, सबसे बड़ा एडिक्शन व्हाट्सएप और शराब से ज्यादा। नीड्स, जरूरतें जितनी बढ़ती हैं उतना और बढ़ती चली जाती हैं। अर्थ नीड्स नेल टू अर्थ द ह्यूमन मास, मैन ओनली इन एन अपलिफ्टिंग आवर ऑफ स्ट्रेस मैन आंसर टू द टच ऑफ ग्रेटर थिंग्स। खाली जब परीक्षा आने वाली होती है तो देखिए आप कैसे बच्चे की सुबह में और माता पिता की शाम को, मंदिर में जाके घंटा भी बजेगा, पॉकेट भी खाली होगी, सब मेरे लल्ला को पास करा देना। और रेज्ड बाय सम स्ट्रांग हैंड टू ब्रीद हेवन एयर दे स्लाइड बैक टू द मड फ्रॉम विच दे क्लाइम्ड, इन द मड ऑफ विच दे आर मेड हुज लॉ दे नो, दे जॉय इन सेफ रिटर्न टू ए फ्रेंडली बेस। दिस इज द वर्स्ट, जब कोई अगर उनको अपने तपोबल से ऊपर भी उठा दे, थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि यहां की हवा हमको सूट नहीं कर रही है, कहां हमको दिल्ली ही पसंद है, स्लाइड बैक टू द मड फ्रॉम विच दे क्लाइम्ड। और वहीं जाकर के उनको फिर ना केवल स्लाइड बैक, दे जॉय इन सेफ रिटर्न टू ए फ्रेंडली बेस, कहां हम ये वैसे अच्छा है लेकिन दो चार दिन के लिए ठीक है, ज्यादा भगवान भी अच्छा नहीं, स्लाइड बैक। एंड दो समथिंग इन देम वीप्स फॉर ग्लोरी लॉस्ट एंड ग्रेटनेस मर्डर्ड दे एक्सेप्ट देयर फॉल। हम लोग कितना रिएक्ट करते हैं जब बाहर से मर्डर होता है, हम रोज अपनी आत्मा का स्वयं मर्डर करते हैं काउंटलेस टाइम्स, और खुश होते हैं कि हमने ऐसा किया। टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट,
To live as others live is their delight. To be the common man. जब भी कभी सुने कि भाई सब करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, दूर रहिए इस तरह की संगति से. ये बिल्कुल गलत दिशा है जो सब कर रहे हैं. ये बड़ी भयानक, इसी को कहा गया है भेड़ चाल, जो सब कर रहे हैं. ये समाज बहुत बार इससे बना है. तो अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो आप कर रहे हैं, मतलब आप राइट ट्रैक में चल रहे हैं. अगर सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब देखिए कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये सब कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो देर इज ए टू लिव एज अदर्स लिव इज देयर डिलाइट. फॉर मोस्ट आर बिल्ट ऑन नेचर्स अर्ली प्लान एंड ओ स्मॉल डेट टू ए सुप्रीम सुपीरियर प्लेन द ह्यूमन एवरेज इज देयर लेवल पिच. अब ये बताते हैं वो कि सावित्री लोग तैयार नहीं है, वर्ल्ड इज नॉट रेडी. दूसरी बात ये बताते हैं कि एक लिंक है क्रीचर्स का, ये नीचे आता है अन्यत्र, कि अगर तुम उसको शिफ्ट कर दोगे, सपोजिंग देव मनुष्य हैं वो देवता जैसे बन गए, कोई कर्मिक बॉन्डेज नहीं है, तो तुम समझ रही हो कि इसका क्या अर्थ होगा. ये लिंक खत्म हो जाएगी बिटवीन बीस्ट एंड मैन एंड द सुपरमेंटल. तो एक चीज इसमें स्पष्ट है कि सारे के सारे नहीं एक साथ चेंज होंगे, बिकॉज वो लिंक कैन नॉट गो अवे. तो ये भी वो सावित्री को बताते हैं. और इस प्रकार से वो बताते हुए अंत में फिर वही बात कहते हैं सावित्री को, पेज 692. ऊपर से clasp ocean deep into thyself thy wave happy forever in the embosoming surge grow one with the still passion of the depths then shall thou know the lover and the loved leaving the limits dividing him and thee receive him into boundless Savitri Lose thyself into infinite Satyavan. O miracle, where thou beginnest, there cease. फिर से ये बात कर रहे हैं कि नहीं, तुम ऐसा करो सावित्री, ये बहुत कठिन काम, तुम ये चुनाव जो करने वाली हो बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य ही नहीं चाहता. वो अभी तो अपने नफा नुकसान से ऊपर नहीं उठा. तो बेटर यही है कि नाउ दिस शोज द एनॉर्मिटी एंड द डिफिकल्टी ऑफ द वर्क. ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, ये टाइम लगेगा. लेकिन उस मूलभूत रूप में बूंद भी मिल गई है और सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन प्रारंभ हो गया है, दिस वी शुड रिमेंबर. बट देर इज ए बिग बैटल विच इज गोइंग ऑन. तो कहती कि तुम जहाँ से आई वहीं पर चली जाओ, सत्यवान को लेकर के चली जाओ. बट सावित्री एंसर टू द रेडियंट गॉड इन वेन थाउ टेम्प्टेस्ट विथ सॉलिटरी ब्लिस Two spirits saved out of a suffering world, my soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine. स्पष्ट करती, मैं तो एक ही अभिप्सा को लेकर जन्मी हूं और एकमात्र यही मेरा संकल्प है. आई कीप माई विल टू सेव द वर्ल्ड एंड मैन इवन द चार्म ऑफ दाई एल्यूरिंग वॉइस ओ ब्लिसफुल गॉड हेड कैन नॉट सीज एंड स्नेयर आई सेक्रीफाइस नॉट अर्थ टू हैप्पियर वर्ल्ड्स. और ये कहते हुए फिर वो कहती हैं कि अगर मनुष्य तैयार नहीं है, लेट ए ग्रेटर बीइंग इमर्ज फ्रॉम मैन. मुट्ठी भर मनुष्य चाहिए जिनके अंदर से ग्रेटर बीइंग कैन इमर्ज और वो धरती का सुपरमैन को इनकार्नेट करे. एंड देन वो कहते हैं कि ठीक है, आई अप्रिशिएट तुम्हारी वन पॉइंटेड एस्पिरेशन है, लेकिन ये जो बून है ये वो किस जगत में खड़ी है, द वर्ल्ड इटर्नल डे,
इटर्नल मैनिफेस्टेशन, जो वर्ल्ड्स हैं जो कभी डिसॉल्व नहीं होते, महाप्रलय को भी सब्जेक्ट नहीं है. तो एक टेम्परल मैनिफेस्टेशन है जिसमें हम लोग रहते हैं, मन प्राण शरीर, एक इटर्नल मैनिफेस्टेशन है. उसके परे अनमैनिफेस्ट, क्योंकि वो क्या मांग रही हैं, जो अब तक हुआ नहीं, घटित नहीं हुआ. तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इस चॉइस का जो बून है वो तो वहाँ मिल सकती है. सो यू गो देयर एंड आस्क फॉर दिस बून. वही गॉडेड है जो वहाँ पर अनमैनिफेस्ट के रूप में प्रकट होंगे. हम लोग पेज 696, बड़ी पावरफुल लाइन्स हैं. अब देखिए, सावित्री सत्यवान की कहानी ओरिजिनल तो वहीं समाप्त हो जाती है जहां सत्यवान इज आस्क्ड टू कम बैक. लेकिन शेरविन ने इस कहानी को यूनिवर्सलाइज कर दिया. एक सत्यवान बच गया है, इतना काफ़ी नहीं है. दिस क्रिएशन मस्ट बी सेव्ड. तो वो अब हम सब के लिए, वे कितने सत्यवान, चाहे वो हजारों हों, जो इस संसार में एस्पिरेंट हैं, जो चाहते हैं कि ये धरती सुंदर बने, स्वर्ग बने अनेकों रूप में, तो उनके लिए बून मांग रही हैं. और वो बून इतनी अद्भुत हैं, इसको भी हम लोग बिना तोड़े हुए पूरा पढ़ेंगे. पेज 696, 696. देयर वॉज ए वॉइस अनहर्ड बाई ईयर्स दैट क्राइड, चूज स्पिरिट, दाई सुप्रीम चॉइस नॉट गिवन अगेन, फॉर नाउ फ्रॉम माई हाइएस्ट बींग लुक्स एट दी, दी नेमलेस formless peace where all things rest in a happy vast sublime cessation, no an immense extinction in eternity, a point that disappears in the infinite felicity of the extinguished flame, last sinking of a wave in a boundless sea, end of the trouble of thy wandering thoughts, close of the journey of the pilgrim soul. Accept, O music, weariness of thy notes, O stream, wide breaking of thy charmed, of thy channel banks. तो वहां भी पहले प्रत्येक एस्पेक्ट आता है अनमैनिफेस्ट का. पीस, वो क्या ऑफर हो रहा था पहले, द इटर्नल वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स ऑफ इटर्नल मैनिफेस्टेशन, वृंदावन, गोलोक इत्यादि. यहां वो कहते हैं फाइनल पीस ऑफ सेसेशन. न तुम न सत्यवान, फॉर एवर यू विल बी लॉस्ट इन मी हु एम एंडलेस पीस. तो कम बैक ओ स्ट्रीम, कम बैक इन टू द ओशियन. बड़े सुंदर पंक्तियां हैं. दी मोमेंट्स फेल इन टू इटर्निटी, बट समवन यर्न्ड विद इन ए बुजम अननोन एंड साइलेंटली द वुमेन्स हार्ट रिप्लाइड. हर बार इसमें वुमेन वर्ड आएगा. वो महसूस करती है अपने अंदर किसकी, संसार की पीड़ा को, कि मैं ये चुन लूं. और फिर वो क्या चुनती हैं, वही तो द फेमिनाइन एनर्जी, बिकॉज शी इज एम्बॉडिंग हर सेल्फ. He will not use, he is the unmany, उनका रिलेशन मदर का नहीं है. वो तो परब्रह्म है. तो वो बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं. वो कहते हैं कि पीस फॉर यू टू लूज योर सेल्फ. वो कहती है, यस आई वॉन्ट पीस, बट वॉट काइंड ऑफ पीस. दाई पीस ओ लॉर्ड, ए बून विद इन टू कीप, अमिड द रोर and ruin of wild time for the magnificent soul of man on earth. Thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy. वो शांति नहीं चाहिए मुझे जो जंगलों में किसी हट के अंदर हर्मिटेज में बैठ के आती है. मुझे तो कुरुक्षेत्र वाली शांति चाहिए, जयपुर के ट्रैफिक वाली शांति चाहिए. बाहर शोर शराबा हो रहा है, उसमें भी मैं शांत रहूं, क्राउड में शांत रहूं, वो वाली शांति चाहिए. किसके लिए, फॉर द मैग्निफिसेंट सोल ऑफ मैन. आपको पता नहीं है मैन की स्ट्रगल क्या है, ही डिजर्व्स दिस पीस. तो शी आस्क्ड दिस पीस फॉर मैन. लिमिटलेस लाइक ओशियन राउंड ए लोनली आइल, ए सेकेंड टाइम द इटर्नल क्राई अरोज, वाइड ओपन आर द इनएफेबल गेट्स इन फ्रंट,
My spirit leans down to break the knot of earth. Amorous of oneness without thought or sign. To cast down wall and fence. To strip heaven bare. See with the large eye of infinity. Unweave the stars and into silence pass. Ab second kya offer kar rahe hain? Oneness. You come into my oneness, the oneness of infinity. Ekatva. Ab Savitri oneness bhi lengi, lekin earth and men ke liye. In an immense and world-destroying pause, she heard a million creatures cry to her through the tremendous stillness of her thoughts. Immeasurably, the woman's nature spoke. Million creatures are crying to her. Thy oneness, Lord, in many approaching hearts. I want thy ekatva, lekin anekatva mein. In many approaching hearts. My sweet infinity of thy numberless souls. Mightily retreating like a sea in ebb, a third time swell the great admonishing call. I spread abroad the refuge of my wings out of its incommunicable deeps. My power looks forth of mightiest splendor, stilled into its majesty of sleep, withdrawn above the dreadful whirlings of the world. Ab wo power anant shakti ke kshetra mein. Go and become one with that. Ye sab divine aspects hain. Peace, oneness, power and ananda. A sob of things was answer to the voice, and passionately the woman's heart replied, yes, I need thy power, thy energy, but again for suffering humanity. Thy energy, Lord, to seize on woman and man, to make all things and creatures, to take all things and creatures in their grief, and gather them into a mother's arms. Yes, I need thy power. Par dharti pe jo dukh hai, peeda hai, usko samapt karne ke liye. Solemn and distant like a seraph's lyre, a last great time the warning sound was heard. I open the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss, anand. Where in a pure and exquisite hush it lies, motionless in its slumber of ecstasy, resting from the sweet madness of the dance, out of whose beat the throb of hearts was born. Ab paramanand unko offer kiya ja raha hai. Breaking the silence with appeal and cry, a hymn of adoration tireless climbed. A music beat of winged uniting souls. Then all the women yearningly replied, thy embrace which rends the living knot of pain. Ye peeda ka ant wahi hai aur kahin nahi hai. Aap chale jaiye, jitne psychiatrist, counselor, dost, dushman, jitna kuch kar lijiye, iska ant to bhagwan ke embrace mein hai. क्योंकि जो दुख है उसका मूल बिछड़ने का दुख है. द ओरिजिनल सफरिंग इज द सफरिंग पैंग ऑफ सेपरेशन. और हम कितना भी कई चीजें रख लें अपने पास और वो सब अपनी अपनी जगह वो स्टेप्स हैं टुवर्ड द ग्रेट असेंशन, बट अल्टीमेटली दाई एम्ब्रेस विच रेंड्स द लिविंग नॉट ऑफ पेन, दाई जॉय ओ लॉर्ड इन विच ऑल क्रीचर्स ब्रीथ, दाई मैजिक flowing waters of deep love. Thy sweetness give to me for earth and men. ये जो पूरा पैसेज हमने पढ़ा, ये माता जी की वाणी में जब सुनते हैं बड़ा आनंद आता है. माता जी ने पूरी सावित्री पढ़ी है. एंड पीपल हू आस्क कैसे, हाउ टू रीड, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ अलग अलग रीडिंग, जस्ट
just hear mother's voice. There is no more perfect reading of Savitri than hers. Or naturally, वो केवल reading नहीं है, it's not about English or French. उसमें सावित्री पढ़ के माने उसमें अपना एक चेतना को जोड़ दिया है. Now, you can imagine कि गीता हम लोग पढ़ते हैं, अगर श्री कृष्ण गीता पढ़ें आपके सामने तो उसका अंतर क्या होगा. आई से दिस वेरी सिंपल लॉजिक, क्योंकि लोग आजकल इनकी पढ़ी हुई सावित्री, उनकी पढ़ी हुई, नथिंग इज रिक्वायर्ड. सावित्री पढ़ा हुआ जो सावित्री है, पढ़ी हुई, फॉर्चुनेटली फॉर अस ऑब्वियसली एक ग्रेस है. माने कोई किताब पूरी नहीं पढ़ी है, पूरी पढ़ी है मतलब अपने लिए, लेकिन रिसाइट नहीं की है. बट सावित्री उन्होंने की है विद म्यूजिक एंड इवन विदाउट म्यूजिक अवेलेबल है. तो उन्होंने कुछ कारण है ना, उन्होंने ये किया. By doing it, she has added her own action, her own force. और ये बूंस वाला जो पैसेज है वो तो अद्भुत है. जब माँ कहती हैं thy sweetness give to me for earth and men, ऐसा लगता है कि बस सामने खड़ी हैं और हम लोगों को दे रही हैं वो बूंद. अब इसके बाद जब वो सावित्री ने ये वरदान मांगा है, तब ये वरदान तथास्तु. ये तथास्तु कैसा है, इसमें पूरे भविष्य का संकेत है. अगर कोई कहे श्री अरविंद ने क्या भविष्यवाणी की है संसार के बारे में, ये भविष्यवाणी है. कई जगहों पर है बट दिस इज द होल, क्योंकि वो तथास्तु है. अब वो तथास्तु विल टेक, क्योंकि बूंद ऐसी मांगी है, इट विल टेक प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पूरा उसका जो मैनिफेस्टेशन है, पर प्रारंभ हो जाएगा फ्रॉम दैट मोमेंट. नेक्स्ट पेज पे प्रारंभ होता है वो 698 698. ओ ब्यूटिफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड, थाई थॉट्स आर माइन, आई हैव स्पोकन विद थाई वॉइस. ये तो हम कहते हैं कि भगवान आपके थॉट्स हमारे हो जाएं. अब यहां जो तुम सोचोगी वो मैं सोचूंगा, जो तुम कहोगी वही मैं कहूंगा, वही मेरी वाणी होगी. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं ना चैप्टर 3 ऑफ द मदर पुस्तक में, फॉर द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर इज द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम. जो माँ ने कह दिया वही वाणी है, वही ब्रह्म वाक्य है. उसके आगे डिबेट डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज ये उनको मतलब जहाँ से आई है वो स्वयं, लेकिन मानव देह धारण किया एक अवतार के रूप में है. तो शी हैज बीन गिवन दैट. ऑल दाउ हैस्ट आस्क्ड आई गिव टू अर्थ एंड मैन, माई विल इज दाइन, व्हाट दाउ हैस्ट चोजन आई चूज. देखिए एकदम पूरा रिवर्स हो गया. ये नॉर्मली हम कहते हैं जो भगवान आप चुनो वो हम चुन रहे हैं, यहां कह रहे व्हाट दाउ हैज चोजन आई चूज. ऑल दाउ हैज आस्ट आई गिव टू अर्थ एंड मैन, ऑल शैल बी रिटन आउट इन डेस्टिनीज बुक. जो चैप्टर बचे थे अब मैंने लिख दिए डेस्टिनी की किताब में. बाई माई ट्रस्टी ऑफ थॉट एंड प्लान एंड एक्ट द एग्जीक्यूटर ऑफ माई विल इटर्नल टाइम. काल को बुलाया, लिखो जो चैप्टर ब्लैंक थे अब ये लिखो. अब काल हैज टू एक्सप्रेस इट थ्रू प्ले ऑफ फोर्सेस. इसलिए माँ कहती है जो कुछ भी आने वाले समय में होगा वो सब व्यक्ति को हेसन करेगा टुवर्ड द सुप्रामेंटल रियलाइजेशन. बिकॉज किस एश्योरेंस पे, बिकॉज दैट हैज बीन रिटन इन द बुक ऑफ डेस्टिनी बाय टाइम. जब किसी ने पूछा क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगा, उन्होंने कहा डोंट वरी, जो कुछ भी होगा इट विल हेसन ह्यूमैनिटी टुवर्ड दिस ग्रेट रियलाइजेशन. अब भगवान को सबसे प्रिय कौन है, भक्त क्या कर्म योगी या ज्ञान योगी या ध्यान योगी, कौन है सबसे प्रिय. अब यहां देखिए उसका, बट सिंस दाउ हैस्ट रिफ्यूज्ड माई मेमलेस काम एंड टर्न फ्रॉम माई टर्मलेस पीस इन विच इज एक्सपंज्ड द विसाज ऑफ स्पेस एंड द शेप ऑफ टाइम इज लॉस्ट एंड फ्रॉम हैप्पी एक्सटिंक्शन ऑफ दाई सेपरेट सेल्फ इन माई अनकम्पेनियंड lone eternity, for not for thee the nameless worldless not annihilation of thy living soul and the end of thought and hope and life and love in the blank measureless unknowable. To kehte tumne ye nahi manga hai, main bahut prasann hu ki tumne ye nahi manga hai. Aur iske ant mein keh rahe but since, kyunki tumne ye nahi manga, I lay my hands upon thy soul of flame
I lay my hands upon thy heart of love. I yoke thee to my power of work in time, because thou hast obeyed my timeless will, because thou hast chosen to share earth's struggle and fate, and leaned in pity over earthbound men, and turned aside to help and yearn to save. I bind by thy heart's passion thy heart to mine, and lay my splendid yoke upon thy soul. मैं तुम्हारे हृदय को अब अपने हृदय से बांध रहा हूं. And lay my splendid yoke upon thy soul. क्यों? क्योंकि तुमने वो चुना है. You know, अब तक हम लोग की नहीं, उन्होंने काल और स्पेस के परे चले गए. ये तो वहां से आए थे, परे चले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है. ये है कि इसमें रहते हुए कालातीत को टच करके, इन्फिनिट को टच करके, एकत्व को प्राप्त करके इस खेल में उतरना. सो अब ये बून है जो बड़ी लंबी चलती है. हम लोग इसके कुछ बस पैसेज पढ़ेंगे. पेज 702, 702. Built is the golden tower, the flame child born. Descend to life with him thy heart desires. Now she says, he says, ki okay, you can take Satyavan and go back on earth. O Satyavan, O luminous Savitri. Ab yahan Satyavan ka pariche ho raha hai. Sari story ke baad. Kaun hai Satyavan? He is the Lord who has taken a human form. Hum sab ke andar there is a little Satyavan. I sent you forth of old beneath the stars, a dual power of God in an ignorant world, in a hushed creation shed from limitless self, bringing down God to the insentient globe, lifting earth beings to immortality. In the world of my knowledge and my ignorance, where God is unseen and only is heard a name, and knowledge is trapped in the boundaries of mind, and life is hauled in the dragnet of desire, and matter hides the soul from its own sight, you are my force at work to uplift earth's fate. तो कह रहे कि यही तो original plan है, the psychic being and the divine mother, ये दोनों इस प्लान को पूरा करने में लगे हुए हैं, सत्यवान एंड सावित्री. तो यहां बहुत अच्छा परिचय है कि हु इज सावित्री. नेक्स्ट पेज पर है, ओ सावित्री दाउ आर्ट माई स्पिरिट्स पावर. अब शेयरविंद यहां स्पष्ट कर रहे हैं जो उन्होंने ऑथर्स नोट में लिखा है, इट इज नॉट जस्ट ए सिंबॉलिक स्टोरी. सिंबल है बट इट्स नॉट ए मियर एलिगरी. दे आर कॉन्शियस फोर्सेज विच टेक बर्थ. इसमें आई थिंक ऑथर्स नोट इज देयर सावित्री के प्रारंभ में, ऑथर्स नोट. एक्चुअली ये ऑथर्स नोट है कि नहीं है, देना चाहिए. वन सेकेंड. हाँ, ऑथर्स नोट ये बिल्कुल शुरू में है. ऑथर्स नोट बोल के नहीं है ये, तो अब इन्होंने ऑथर्स नोट बोल के लिखा, लेकिन किसी ने शेरविन से पूछा था ये कहानी क्या है, तो शेरविन ने उसके बारे में नटशेल में बताया कि एक सिंबल है, इसमें सावित्री क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सत्यवान क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और अंत में इसमें लिखते हैं, स्टिल दिस इज नॉट ए मियर एलेगरी. ये नहीं कि एक सांकेतिक भाषा में उन्होंने एक सत्य बता दिया. द कैरेक्टर्स आर नॉट पर्सोनिफाइड क्वालिटीज बट इनकारनेशंस और इमिनेशंस ऑफ लिविंग एंड कॉन्शियस फोर्सेज विद होम वी कैन एंटर इन टू कंक्रीट टच एंड दे टेक ह्यूमन बॉडीज इन ऑर्डर टू हेल्प मैन एंड शो हिम द वे from his mortal state to a divine consciousness and immortal life. So they are, we can come in contact with them. And they take mortal bodies. तो वही जो उस युग में एक रूप धारण करके आए, इस युग में they have come as Aurobindo and the mother for the same work.
तो ये वाला जो पार्ट है ये नेचुरली न्यू है, क्योंकि ओरिजिनल सावित्री की स्टोरी वहां समाप्त हो जाती है जहां सत्यवान आ जाता है. अब ये जो पॉसिबिलिटी है इसको जनरलाइज होना है रेस में. नाउ इट इज टेकन, ये कहानी कब की होगी, ये महाभारत काल में कही गई कहानी है, तो यू वी कैन इमेजिन, यानी 10,000 साल पुरानी होगी लगभग, या 7,000 साल पुरानी होगी. नाउ द टाइम हैज कम कि ये इस कथा का एक फाइनल फाइनलिटी की वो एक नहीं, इसलिए श्री अरविंद इसको एक्सटेंड करते हैं. जैसे एसेज ऑन द गीता अगर हम पढ़ें तो श्री अरविंद जगह जगह कहीं सुप्रामेंटल इंटेग्रल वर्ड आता है, गीता में नहीं है. और इसीलिए माता जी कहती हैं कि बाई हिज एसेज ऑन द गीता ही हैज इंक्रीज्ड द स्कोप एंड द पावर ऑफ द गीता. क्योंकि गीता में जो छिपा हुआ है कहीं कहीं है इंटेग्रल गॉडहेड का हिंट, जब वो कहते हैं कि मैं व्यक्त भी हूँ अव्यक्त भी हूँ, मैं ये भी हूँ मैं वो भी हूँ, तो वो जो सारा विजन है जगह जगह गॉडहेड का. एक जगह वो कहते हैं कि जो जरा मृत्यु से लड़ते हैं वो सबसे बड़े योगी होते हैं. क्रिप्टिक क्लोजेज हैं गीता में, जो छिपा हुआ है वो उन्होंने एसेज ऑन द गीता में प्रकट कर दिया, अपग्रेडेड वर्जन है. तो सावित्री सत्यवान की स्टोरी जो सत्यवान के धरती पर आने से समाप्त हो गई थी, अब उस पॉसिबिलिटी को वो जनरलाइज कर रहे हैं पूरी रेस में. जो जो तैयार हैं, दिस पॉसिबिलिटी विच वॉज सीन इन द फ्यूचर कैन बी रियलाइज नाउ. ओ सावित्री दाउ आर्ट माई स्पिरिट्स पार, द रिवीलिंग वॉइस ऑफ द इमॉर्टल वर्ड, द फेस ऑफ ट्रूथ अपॉन द रोड्स ऑफ टाइम, पॉइंटिंग टू द सोल्स ऑफ मैन, द रूट्स टू गॉड. और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इट्स ए वेरी लॉन्ग पैसेज एंड इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सत्य हैं. हम लोग पेज 708 पे आ जाएं. कई लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है सुपर माइंड तो डिसेंड हो गया, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, होस्टाइल फोर्सेस हैं, राक्षस हैं, असुर हैं, उनका क्या. तो पेज 708 10-12 लाइन नीचे, इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन एंड क्लेम इट्स राइट्स परपेचुअल सॉवरेनिटी एंड मैन रिफ्यूज हिज हाई स्पिरिचुअल फेट, येट शैल द सीक्रेट ट्रूथ इन थिंग्स प्रिवेल, फॉर इन द मार्च ऑफ ऑल फुलफिलिंग टाइम द आर मस्ट कम ऑफ द ट्रांसेंडेंट्स विल. इसका मतलब ये है कि मैन कैन डिले और हेसन, He cannot cancel this now. It has gone, वो अब होगा ही होगा. लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य का कोई रोल है, हाँ वो डिले कर सकता है होस्टाइल फोर्सेस को अपने अंदर प्रश्न देके, या हेसन कर सकता है अपने आप को डिवाइन कॉन्शियसनेस के प्रति खुल के, यही उसके पास चॉइस है. और इसी पेज पे लास्ट 4-5 लाइन या लास्ट 2 लाइन्स, When Superman is born as nature's king, अब ये कह रहे हैं कि मनुष्य के आगे एक नया बींग आएगा सुपरमैन. यहाँ सुपरमैन उन्होंने लिखा है, अन्यत्र सुपरमेंटल बींग उन्होंने कहा है, लेकिन यहाँ पर वो सिनोनिमस है. हालांकि माता जी बाद में डिफ्रेंशिएट करती हैं, श्री अरविंद भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन सावित्री में उन्होंने, क्योंकि सुपरमैन नई चेतना है, केवल शरीर उसका अभी भी मर्त शरीर है और कालांतर में वो शरीर भी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा. तो ये दोनों बातें उन्होंने यहाँ बताई हैं. When Superman is born as nature's king, अभी कौन है, मैन है, His presence shall transfigure matter's world. क्या कोई उदाहरण है इसका, बिल्कुल उदाहरण है. जब मनुष्य आया मेंटल बीइंग, तो एनिमल वर्ल्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ. अब अच्छे के लिए हुआ बुरे के लिए हुआ वो निश्चित रूप से चर्चा का विषय है, क्योंकि माइंड एक इग्नोरेंस है, लेकिन चेंज हुआ, बहुत विचित्र ढंग से चेंज हुआ. धरती नहीं चेंज हुई, आकाश और पाताल और समुद्र भी चेंज हो गए. तो आप सोचिए कि जो ट्रूथ को धारण करने वाली जो स्पेसीज आएगी, एक नई प्रजाति, एक नई रेस आएगी, तो संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य पर. उनके होने मात्र से मनुष्यों के अंदर सुंदर विचार, सुंदर भावनाएं जागृत होने लगेंगी.
He shall light up truth's fire in nature's night. He shall lay upon the earth truth's greater law. Man too shall turn towards the spirit's call. क्यों? क्योंकि सुपरमैन अर्थ पे होंगे तो नेचुरली मनुष्य के अंदर, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं, तो ये योग बड़ा अलग ढंग से चलता है, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स. इसमें कोई बाहर से जोड़ने की जरूरत नहीं है. अगर एक व्यक्ति इस सत्य को जी रहा है, और शेयरविंद इसको अपने एक लेटर टू बरेन में लिखते हैं, आई डोंट वॉन्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन, मियर हंड्रेड पीपल हु आर कमिटेड आर एनफ. क्यों? क्योंकि कहते हैं वेयर वन ऑफ अ स्टैंड्स देयर थाउजेंड शुड कम. उसके अंदर इतना आनंद, इतना लाइट होनी चाहिए कि वो स्पिल ओवर करे और संसार में वो नदियां बहा दे, लाइक भागीरथ. ये हम लोगों का रोल है. ये बाहर से स्प्रेड करने वाली चीज नहीं है कि हमने बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी और लोग भी, हाँ ठीक है, हम अब लाइव डिवाइन पढ़ेंगे. इट इज़ नॉट डन लाइक दैट. इट इज डन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड. लेट अस लिव दिस ट्रूथ. इतना ही हमसे डिमांड की गई है. इससे ज्यादा माँ शेरविंद हमसे नहीं डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको पता है. ना केवल नहीं डिमांड करते हैं, वो डेंजरस है. एक जगह लिखते हैं कि एज फॉर प्रोपोगेंडा आई डोंट बिलीव इन इट एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स एंड पेटेंट मेडिसिन, या एक्सेप्ट फॉर बुक्स और एंड पेटेंट मेडिसिन, समथिंग लाइक दैट. फिर वो आगे कहते हैं, फॉर ए सीरियस वर्क लाइक माइन इट इज ए पॉइजन विच मीन्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजलेस पीपल ज्वाइन एंड करप्ट द मूवमेंट. क्योंकि ये सीरियस काम है. आप न्यूक्लियर एनर्जी के एस्टेब्लिशमेंट में आर्ग्यू, अरे सुना है न्यूक्लियर एनर्जी, सर हम भी आगे काम करेंगे. क्यों? मेरा मन कर रहा है काम करने का. आप लेंगे उसको अंदर में? ही विल डाई बिफोर एनीथिंग एल्स. जहां इलेक्ट्रिसिटी के वो सर्किट्स आप डील कर रहे हैं जो बड़े हाई वोल्टेज के, वहां कोई चलते हुए चलाएगा, सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है, सुना ये हाई पेड जॉब है, क्या हम भी यहां नौकरी मिल जाएगी? आप लेंगे? आप कहेंगे अगले दिन तू कुछ छू देगा और या तो फ्यूज उड़ जाएगा या तुझे झटका लगेगा. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस एंड द ग्रेविटी ऑफ दिस वर्क. ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है. 10, 15, 20, 100, ये इवोल्यूशन. जैसे बंदर से मनुष्य बना, 100-200 वर्षों में 100 मनुष्य ऐसे होंगे जो सैंपल रेडी है. उसके आगे इट विल कीप मल्टीप्लाइंग अपने आप, क्योंकि बाकी लोगों के अंदर अपने आप ये कॉल जगेगी और इस पथ पे चलेंगे. 100 से 1000 होंगे. दिस इज हाउ इट विल टेक 10,000 years. लेट्स कीप इट लाइक दैट. नॉट 10,000 years, मदर सेट 1,000 years, 300 years फॉर द सुपरमेंटल बींग टू इमर्ज. बट वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये मूवमेंट क्या है. इट इज फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स. अवेक टू हिज हिडन पॉसिबिलिटी, अवेक टू ऑल दैट स्लेप्ट विद इन हिज हार्ट एंड ऑल दैट नेचर मेंट व्हेन अर्थ वॉज फॉर्म्ड एंड द स्पिरिट made this ignorant world his home, he shall aspire to truth and God and bliss. मनुष्य के अंदर वो अग्नि को हमको contamination से देना है और कुछ देने की जरूरत नहीं है. बाकी सब it will do. Aspiration जगेगी, but it is that fire which must be shared. Few lines below. The higher kind, we can continue. Interpreter of a diviner law and instrument of a supreme design, वे लोग जो ये बनेंगे, the higher kind shall lead to lift up man. वो isolation में नहीं जाएगा. जो ये higher beings होंगे, वो उनके अंदर करुणा होगी. They'll be full of compassion. He will lean to lift up man. Man shall desire to climb to his own heights. The truth above shall wake another truth. Even the dumb earth become a sentient force. The spirits, tops and nature's base shall draw near to the secret of their separate truth and know each other as one deity. Jada tattva aur atma tattva. Ye do alag nahi hai. Ek roop hai, ek aroop hai. Lekin ek hi Bhagwan hai. एक आइडल है, मूर्त रूप है, एक अमूर्त रूप है एक ही. सो मैटर एंड स्पिरिट आर वन डेटी. द स्पिरिट शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज एंड मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस. देन मैन एंड सुपरमैन शैल बी एट वन एंड ऑल द अर्थ बिकम ए सिंगल लाइफ.
Even the multitude shall hear the voice. धीरे धीरे ऐसा होगा, अपने आप होगा कि multitude will hear the voice. वो सुनेंगे कहीं ना कहीं. And turn to commune with the spirit within. And strive to obey the high spiritual law. This earth shall stir with impulses sublime. अब ये चलते चलते next page 711 710 इसी बूंद का last part है. More and more souls shall enter into light. The frontiers of the ignorance shall recede. More and more souls shall enter into light. Minds lit inspired, the occult summoner here. अब ये देखिए, minds lit inspired, we can actually see it happening. आप देखिए Facebook, WhatsApp में कई लोग ऐसे thoughts डालते हैं जो स्पष्ट है कि ये normal earthly thought नहीं है. ये कोई higher mind की प्रेरणा, लोगों को पसंद आते हैं. They are putting it now. Such a medium has become also an instrument of such wonderful things. And lives blaze with a sudden inner flame, and hearts grow enamored of divine delight, and human wills tuned to the divine will. These separate selves, the spirit's oneness feel. These senses of heavenly sense grow capable. Yani ab physical transmutation jo last mein hona hai, ye boon ke ant mein aa raha hai. Ye jo hamari senses hai, jo abhi अलग अलग तरह से भेद करती हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्वादिष्ट है, ये नहीं है, ये धीरे धीरे चेंज होगा और कोई अलग प्रकार की सेंसेस आएंगी. हमारी आंखें जो देख नहीं पाती देखने लगेंगी, हमारे ईयर्स जो सुन नहीं सकते वो सुनने लगेंगे. आवर सेंसेस, दीज सेंसेस ऑफ हेवनली सेंस ग्रो कैपेबल, द फ्लैश एंड नर्व्स ऑफ ए स्ट्रेंज इथीरियल जॉय. अभी मैटर, अब देखिए जितना तमस में होता है व्यक्ति उतना अधिक उसको लाउड म्यूजिक, बड़ा डिस्कॉर्डेंट म्यूजिक, उससे उसको रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि तमस में है. उसका साइन ही है कि कुंभकर्ण का, इसीलिए ना कुंभकर्ण जब सोता है तो इतना लाउड ढमाढम बजा के उसको उठाया जाता है, क्योंकि वो कुंभकर्ण है, तमोगुण प्रधान है. वेरेज आदमी जितना अधिक उसके अंदर सूक्ष्म तत्व बढ़ते जाते हैं उतना अधिक वो सूक्ष्म चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है. तो इस प्रकार से उसके अंदर ट्रांसम्यूटेशन होगा कि वो जॉय फील करेगा. फ्लैश एंड नर्व्स ऑफ स्ट्रेंज इथीरियल जॉय. अभी जो मनुष्य की अवस्था है, भगवान आके अगर हाथ भी छू, हाथ सिर पे फेर देंगे तो अचानक कहेगा अरे किसने हमारा हमारा सिर छू दिया, या उसको पता भी नहीं चलेगा कि डिवाइन बींग केम एंड टच्ड हिज बॉडी एंड वेंट. ए डिवाइन फोर्स, द फ्लैश एंड नर्व्स ऑफ ए स्ट्रेंज इथीरियल जॉय एंड मॉर्टल बॉडीज ऑफ इमॉर्टैलिटी. A divine force shall flow through tissue and cell and take the charge of breath and speech and act. Sab kuch, yahan tak ki breathing, hamare ek ek karm aur hamari vani, wo sab kuch divine force se chalit hogi. And all the thoughts shall be a glow of suns and every feeling a celestial thrill. Last ki teen line. Nature shall live to manifest secret God. ये है goal of life. भगवान को पाना नहीं, भगवान को manifest करना, प्रकट करना, express करना. भगवान की प्राप्ति तो बहुत पुराना goal है. हाँ, naturally हम manifest तभी करेंगे जब हम ego self से बाहर निकलेंगे और उनसे contact में आएंगे, लेकिन वो अंत नहीं है. अंत है उनके जैसा बन जाना. That is how Aurobindo describes synthesis of yoga में ना, साधर्म गति. To have the same nature as the divine being. Salokya mukti, sadharma mukti, sayujya mukti. Nature shall live to manifest secret God. The spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine. Life divine kaise charitarth hogi? Jab mind ki jagah spirit, jo abhi chipi hui hai, wo खुल्लम खुल्ला ह्यूमन प्ले. ह्यूमन प्ले में सब कुछ है, स्पिरिट और नई चीजें लाएगी. जब ह्यूमन माइंड है, किसी ने कहा ओ तब तो मोनोटोनस लाइफ होगी, शेरविन कहते किसने कहा तुम्हें, जब माइंड आया तो प्राणवंत पशु के को कितनी सारी नई चीजों से भिज्ञ करा दिया. पेंटिंग एंड आर्ट एंड म्यूजिक एंड पोएट्री एंड डांस एंड ड्रामा एंड साइंस एंड ज्योग्राफी एंड कॉमर्स,
माइंड के आने मात्र से, कहते जब सुपरामेंटल क्रिएशन होगा तो इससे कहीं अधिक वैरायटी चीजें, क्योंकि वो तो इन्फिनिट का क्रिएशन है. तो जब स्पिरिट विल टेक अप द ह्यूमन प्ले, कई नई चीजें, नई लैंग्वेज, नई विधाएं, ये लैंग्वेज जो रूल्स ऑफ ग्रामर ये सब रिडंडेंट हो जाएंगे, नई लैंग्वेज आएगी. और वो क्या होगी उसका रूप, वी शुड वेट एंड वॉच. तो ये बड़ा सुंदर इसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि अब सावित्री अपने हाथों में सत्यवान को लेकर के नीचे आती हैं और शी कम्स बैक टू अर्थ. अब ये लास्ट बुक 12 एपिलोग, द रिटर्न टू अर्थ. एपिलोग जहां पे वो पूरी कथानक को अब एक परिसमाप्ति कर दी गई. अब ये कहानी कितने घंटे चली, इट वॉज दी अवर बिफोर दी गॉड्स अवेक, समझिए दिन के 3 या 4 बजे होंगे. और ये पूरी सावित्री कितने घंटों की कहानी है अब बता रहे, संध्या होने वाली है, 16, 17, 18 घंटे की कहानी है, उससे भी कम ये पूरी कहानी. तो उसमें श्री अरविंद ने सब कुछ डाल दिया. अब धरती पर सत्यवान अचानक उठते हैं, सावित्री आ गई हैं, सावित्री की गोद में है. अब उनको पता नहीं है क्या हो गया है, मैं तो मर गया था, ये सब हुआ है. और ये हम लोग के साथ भी ऐसी कि माँ हमारी बैटल्स लड़ रही हैं मृत्यु के साथ, हम लोगों को पता नहीं है. इसलिए माँ कहती है तुम लोग ग्रैटिट्यूड तभी लाते हो, ग्रेस तभी देखते हो जब कुछ अच्छा हो जाता है. तुमको मालूम है कितनी बार तुम्हारे जीवन में क्या क्या बचाया जाता है, दैट वी डू नॉट सी. तो वो आ गई हैं और सत्यवान उनकी गोद में लेटा हुआ है, आंखें खोलता है. और पेज 717 पर सबसे पहले वो क्या कहता है, 717, whence hast thou brought me captive back, love chained to thee and sunlight's walls, O golden beam and casket of all sweetness, Savitri, Godhead and woman, moonlight of my soul. तुमने प्रेम की डोर से मुझे बांध के कहां से ले आई हो. अचानक उसके हृदय में एक एडोरेशन, जैसे अर्जुन ने जब देखा श्री कृष्ण को, अरे आप मेरे सखा हो या भगवान हो, अब समझ आ रहा है मुझे. तो अचानक सत्यवान के लिए तो शी वॉज हिज वाइफ, हिज लव. तो अचानक वो कहते हैं कि कहां से मुझे लेकर के आई हो, लव चेंड. लुक एट दीज लाइन्स, वेरी ब्यूटिफुल. गॉड हेड एंड वुमेन, अब वो कह रहे हैं कि वैसे तो आप स्त्री हो, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ये, क्योंकि अब जब वो आई है वहां से तो अभी भी उनका चेहरा दीप्यमान है, वो तेज लेके आई है, अभी वो संवरण नहीं कर सकी वो सब अंदर. फॉर श्योरली आई हैव ट्रेवल्ड इन स्ट्रेंज वर्ल्ड्स, ऐसा उनको महसूस हो रहा है. बाई दी कंपेनियन ए परस्यूइंग स्पिरिट, टूगेदर वी हैव डिस्टेन द गेट्स ऑफ नाइट, आई हैव टर्नड अवे फ्रॉम द सेलेस्टियल्स जॉय एंड हेवेंस इनसफिशियंट विदाउट दी. क्या पंक्तियां हैं ये, क्या कहा जाए. माँ तुम्हारे बिना स्वर्ग का आनंद भी कुछ नहीं है, इसका एक सेंटेंस में. तो कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है, श्योरली इट्स नॉट दैट ही नोज, बट कोई इनर कन्विक्शन है कि हम गेट्स ऑफ नाइट पे गए और स्वर्ग को भी हमने, सेलेस्टियल जॉयस को ठुकरा दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना वो सब अपूर्ण है. ये भाव जब हमारा माता जी के प्रति आ जाए, तुम्हारे साथ नरक भी नरक नहीं है और तुम्हारे बिना स्वर्ग भी आधा अधूरा है. बट सी रिप्लाइड, आप देखिए इसी पेज पर, बट सी रिप्लाइड, लास्ट की 3 लाइन, बट सी रिप्लाइड, आवर पार्टिंग वॉज द ड्रीम, वी आर टूगेदर वी लिव, ओ सत्यवान Look round thee and behold, glad and unchanged. Our home, this forest with this 1000 cries. वो ज्यादा उनको नहीं बताना चाहती, हाँ तुम्हें पता है मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, कुछ नहीं. सत्यवान वो एक स्वप्न था, भूल जाओ उसको. ये देखो हम अपने घर आ गए ना, यही फॉरेस्ट है, यहीं पर हमें उसको वापस धरती पर ला रही हैं. एंड सत्यवान इसी 718 पर, जहां से ब्रेक से पैसेज शुरू हो रहा है, देन फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ देयर हैप्पीनेस दे रोज एंड विद सेफ क्लिंगिंग फिंगर्स लॉक्ड,
hung on each other in a silent look. अब इसका वर्णन देखिए, fingers locked. सावित्री ने अपने हाथ से सत्यवान का हाथ पकड़ा हुआ है और सत्यवान देख रहा है उनकी ओर और क्या कहता है, बट ही विद ए न्यू वंडर इन हिज हार्ट एंड ए न्यू फ्लेम ऑफ वर्शिप इन हिज आईज. अब केवल प्रेम नहीं है, वर्शिप आ गई है, वंडर आ गया है. व्हाट हाई चेंज इज इन दी ओ सावित्री, कुछ तो है जो चेंज हुआ है. What high change is in thee, O Savitri, bright, ever thou wast, a goddess, still and pure, yet dearer to me by thy sweet human parts, earth gave thee, making thee yet more divine. एक दिन आता है जब हम भी माँ को रिकॉग्नाइज करते हैं. माँ, हम तो आपको केवल एक संत ऋषि योगिनी, आप ये हो. And that day our life changes. और इस प्रकार से वो सावित्री को अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं. लेकिन अंत में ये कह रहे हैं, पेज 719, ऊपर से 8-9 लाइन. माई ह्यूमन अर्थ विल स्टिल डिमांड दाई ब्लिस, मेक स्टिल माई लाइफ through thee a song of joy and all my silence wide and deep with thee. कि लेकिन तुम तो एक अतीन्द्रिय आनंद से भरी हुई हो, लेकिन मैं तो अर्थली क्रीचर हूं, मुझे तो अर्थली जॉय भी चाहिए. तो सावित्री कहती हैं, ए हेवनली क्वीन कंसेंटिंग टू हिज विल, शी क्लैस्ट हिज फीट बाई हर एन श्राइनिंग हेयर, enveloped in a velvet cloak of love and answered softly like a murmuring lute. ये देखिए, ये just read the description, how sublimely divinely beautiful this is. सावित्री सत्यवान के चरणों को कैसे क्लास्प करती है, by her hairs. ये master poet, माने श्रृंगार रस और दिव्यता का अद्भुत दोनों का सम्मिश्रण. All now is changed, yet all is still the same. जब श्री कृष्ण ने अर्जुन का दर्शन किया उसके बाद, अब श्री कृष्ण का अर्जुन ने दर्शन किया उसके बाद उनकी क्या हालत रही होगी, इनसे मैं अपना रथ चलवा रहा हूं, और श्री कृष्ण ने, कोई बात नहीं, कुछ बदला नहीं है, यही हूं मैं, तेरा सारथी हूं, मुझे पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाएगा. तो सावित्री क्या कह रही है, ऐसा ही कुछ कह रही है, ऑल नाउ इज चेंज्ड येट ऑल इज स्टिल द सेम. Lo, we have looked upon the face of God. Our life has opened with divinity. We have borne identity with the Supreme and known His meaning in our mortal lives. Our love has grown greater by that mighty touch and learned its heavenly significance. Divine earthly life ko cancel nahi karte hain. Heaven's love fulfills but cancels not our earth's. तो वो यहां पे इस सत्य को उजागर कर रही है. हेवेंस, अच्छा यही लाइन है, यही. येट नथिंग इज लॉस्ट ऑफ मॉर्टल लव्स डिलाइट, हेवेंस टच फुलफिल्स बट कैंसल्स नॉट अवर अर्थ. माता जी कैसे कैसे खेल खेलती थी बच्चों के साथ. मतलब दो तो रिसेंटली, पहले भी मैंने पढ़ी हैं पर हाल में कोई कह रहा था तो फ्रेश है. अमृता, अमृता एंटर करते हैं, उनके पहले कोई पूछ रहा है, माँ मनुष्य और भगवान के बीच इतनी दूरी क्यों है. तो उतने में अमृता एंटर करते हैं तो माँ पूछती हैं, एक मिनट अमृत तुम बताओ मनुष्य और भगवान के बीच कितनी दूरी है. अब उन्होंने प्रश्न को ऐसे कर दिया, इतनी दूरी क्यों है, तो उन्होंने कहा कितनी दूरी है. अमृता चलते चलते एकदम माँ के पास आ गए, एक एक डब मापते हुए 15वें डग पे पहुंच गए और बोले, माँ केवल 15 कदम की दूरी है मनुष्य और भगवान के बीच, किसने कहा इतनी दूरी है. ये रियल स्टोरी है और केवट की स्टोरी से ज्यादा टच करती है. 15 डग भरते हुए, माँ किसने कहा दूरी है, 15 कदम की तो दूरी है, ह्यूमन 15 ह्यूमन स्टेप्स नथिंग. इस प्रकार से लोगों ने माता जी की, और माता जी टॉफी फेंक रही है, पकड़ो, और सब पकड़ दें.
अमृता ऐसे करके और टॉफी गिर रही है, क्या अमृत तुमको टॉफी पकड़ना नहीं आता? अरे मूर्खों, टॉफी तो बहुत आसान है पकड़ना, तुमको लगता है माँ केवल टॉफी फेंक रही हैं, मैं तो वो पकड़ना चाह रहा हूं जो टॉफी के साथ फेंक रही हैं। अमृता के बारे में माँ ने कहा था, फर्स्ट एंड लास्ट मैनेजर ऑफ द आश्रम, और इतने सरेंडर थे। माइक जय कहती भी है, देयर इज नोबडी हु माई कैन स्कोल्ड एक्सेप्ट अमृत, इतना मेरे करीब है। तो और जब माँ डांटेंगी अमृता को, अमृत यू आर स्टूपिड, अमृता नीचे सिर करके बहुत मुस्कुराते हुए, यस मदर सारा। तो किसने कहा सबके सामने तेरी बेइज्जती हो रही है, तुझे कैसा तू मुस्कुरा रहा है? कहता देखो तो कौन कर रहा है, कभी देखा है माँ को किसी को स्कोल्ड करते हुए? कितना अपना समझती है मुझे, ये सबके सामने स्कोल्ड कर देती हैं क्योंकि वो जानती हैं। और ये माँ भी कहती हैं कि ही इज द ओनली वन हु विल नेवर मिसअंडरस्टैंड। देखो तो मैं तो कितना आनंदित होता हूं, तुमको पता नहीं है, माँ कह रही हैं। इस तरह से लोगों के साथ खेल खेला है माँ ने। एक व्यक्ति डाइनिंग रूम में खूब सारी प्लेट ले जा रहा था, डाइनिंग रूम प्लेट ले जाते हैं, तो किसी ने मजाक उड़ाया, ए कुली होता है डेप्रिशिएटरी, ए कुली। तो वो मुड़ के बोला हर कुली, किसका कुली हो ये मत भूलो, हर डिवाइन मदर, और देखिए उसमें पन भी है, हर कुली हरकुलिस। हरकुलिस इज द लीजेंडरी रोमन हीरो जिससे बलशाली कोई नहीं हुआ, देवपुत्र है जिसने 7 असंभव टास्क किए, कहते हर कुली। तो ये खेल कि कुछ बदला नहीं है, मैं वैसे ही हूं, तुम मुझे ह्यूमन अप्रोच कर सकते हो। किसी ने शायद व्हाट्सएप भी किया होगा, नलनिदा का एक वॉल्यूम 6 में मैसेजेस 74 में, जब माँ ने फिजिकली विड्रॉ किया है, तो माँ उनके सामने आती हैं और कहती हैं जस्ट लुक एट मी, नलनिदा ने उसको ए विजन बोल करके दिया हुआ है, जस्ट लुक एट मी, आई एम हियर जस्ट द सेम, यू कैन अप्रोच मी जस्ट द सेम वे एज ए ह्यूमन मदर एंड डिवाइन एट द सेम टाइम। जैसे तुम पहले कहते थे माँ मेरी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ट्रांसफॉर्म बॉडी में आती हैं, कहती लेकिन ये नहीं कि मैं ट्रांसफॉर्म बॉडी हो गई है मेरी, तो तुम वैसे ही अप्रोच कर सकते हो। मोनादा को बेनेडिक्शंस में भी है वो ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस, मोनादा को कहती हैं कि लोग समझते नहीं हैं श्री अरविंद समाधि में कितने लोगों की प्रार्थनाएं हर क्षण सुनते हैं और सबको उत्तर देते हैं। पहले लोग कंप्लेन करते थे कि हमने चिट्ठी लिखी है 2 दिन से उत्तर नहीं आया, फिर कहती हालांकि ये सच नहीं था क्योंकि उत्तर अंदर से तो वो दे देते थे, पर लिखने का जो भी उत्तर रहा हो, कहती लेकिन अब ही सो इजली एक्सेसिबल, हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल हो गए हैं। सो आई एम स्टिल द सेम, नथिंग इज चेंज्ड, माँ कह रही हैं सत्यवान को, तुम्हें कुछ ये नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं एक देवी हो गई हूँ, वहां से आई हूँ, सुपरमेंटल बींग्स हो गए हैं, मदर श्री अरबिंदो, सो हम लोग कैसे अप्रोच करें, जस्ट द सेम। सो सत्यवान ये कहते हैं और इस प्रकार से सावित्री उनको उत्तर दे रही हैं कि नथिंग हैज चेंज्ड। इसी में कुछ पंक्तियां नीचे हैं, आई एम द मदरान, आई एम सावित्री, ऑल दैट आई वाज बिफोर आई एम टू दी स्टिल, क्लोज कॉमरेड ऑफ दाई थॉट्स एंड होप्स एंड टॉयल्स। अब इस बीच क्या हुआ है कि दुमत सेना की आंखें आ गई, राज्य मिल गया, क्योंकि वो तो बून मांगी थी उन्होंने, अब आंखें आ गई, राजा को राज्य मिल गया, उनको ये चिंता हो रही है। अब उस समय तो SMS का जमाना नहीं था कि भाई बच्चे कहाँ चले गए, सुबह के निकले हुए थे अभी तक आए नहीं हैं, तो चलो आज ये खुशखबरी का दिन है, आज का दिन है जब हम ग्रैंड पार्टी रखेंगे और बच्चे नहीं पहुँचे। तो वो सेना को लेकर के, सेजेस को लेकर के जंगल में जा रहे हैं खोजने के लिए, और सांझ ढलने को हो रही है क्योंकि वो सुबह निकले थे और काफ़ी घंटे हो गए हैं। अब वो वहाँ पे जब पहुँचते हैं और देखते हैं सावित्री और सत्यवान को, तो उनके बीच थोड़ा बहुत वार्तालाप होता है, लेकिन सबसे पहले सत्यवान कहता है, पहले वो बताते हैं कि देखो आज ये सब हो गया, लगता है कि तुम्हारे ही कारण हुआ है, मेरी आँखें आ गई, मेरा राज्य मिल गया। तो सत्यवान जो कहते हैं वो अद्भुत है, पेज 723।
दुमत सेन कहते हैं कि अब मुझे लगता है मैं अपना शेष जीवन कंटेंट होके जीऊंगा. बट सत्यवान रिप्लाइड विथ स्माइलिंग लिप्स. उसको पता है हुआ किसके कारण है. कहीं ना कहीं उसको ये फील हो रहा है, ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल. आपके जीवन में जो खुशी लौटी है, समृद्धि लौटी है, राज्य लौटा है, दृष्टि लौटी है, वास्तव में सच तो यह है कि इन्हीं के कारण लौटी है. विद हर एंचेंटमेंट्स शी हैज ट्वाइंड मी राउंड, बिहोल्ड एट नून लीविंग दिस हाउस ऑफ क्ले. अब उसको लग रहा है कि दिस हाउस ऑफ क्ले की लगता है कि दोपहर को डैडी 2-3 बजे कुछ हो गया था मुझे, मुझे मालूम नहीं है कितने घंटे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है. आई वॉन्डर्ड इन फार ऑफ इटर्निटीज येट स्टिल ए कैप्टिव इन हर गोल्डन हैंड्स. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ना जाने कहां कहां मैं गया, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में मुझे पकड़े रखा. माँ हम लोगों को केवल इस शरीर में नहीं, मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ती हैं. और उसके बाद जब हम लोग आते हैं तो वे फिर हमें वही तैयार करती हैं कि हम कहाँ आएंगे, क्या काम करेंगे, जो एक बार जिसका वर्ण भगवान कर लेते हैं. येट स्टिल ए कैप्टिव इन हर गोल्डन हैंड्स आई ट्रेड योर लिटिल हिलक कॉल्ड ग्रीन अर्थ एंड इन द मोमेंट्स ऑफ योर ट्रांजिएंट सन लिव ग्लैड अमंग द बिजी वर्क्स ऑफ मैन. अब जब वो कहते हैं कि कारण ये है, आप इनको देखिए, इनको बताइए, जो आपकी बहू है ना, इसने ही सब किया है. अब देखिए, देन ऑल आईज टर्न देयर वांडरिंग लुक्स वेयर स्टूड ए डीपनिंग रेडर गोल्ड अपॉन हर चीक्स. सूर्य अस्त हो रहा है लेकिन उनके गालों पे एक लाली मां. क्यों बता रहे, शी इज ब्लशिंग, कि नहीं ये सब बताने की क्या जरूरत है. ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है, ये उनको कहने की क्या जरूरत है सास ससुर को कि मैंने ये किया वो किया. तो शी हैज गॉट ए गोल्डन चीक. अब इसमें देखिए रस, देखिए किस प्रकार का मानवीय चेतना पर. विद लोअर्ड लिड्स द नोबल लवली चाइल्ड. वो अपनी आंखें थोड़ा झुका लेती हैं क्योंकि प्रशंसा हो रही है. एंड वन कंसेंटिंग थॉट मूव्ड एवरी ब्रेस्ट. लेकिन सबके अंदर उनको देखते ही एक ही विचार आता है, वॉट ग्लीमिंग मार्वल ऑफ द अर्थ और स्काईज स्टैंड साइलेंटली बाई ह्यूमन सत्यवान टू मार्क ए ब्रिलियंस इन द डस्क और ईव, डस्क ऑफ ईव. If this is she of whom the world has heard, wonder no more at any happy change. Each easy miracle of felicity, of her transmuting heart, the alchemies. सब देख के आनंदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सच में यही हैं. और अगर ये हैं तो संसार में सब कुछ संभव है. सबके हृदय में एक ही भाव, एक ही उद्गार, एक ही विचार उठ रहा है. देन वन स्पोक देयर हु सेम्ड ए प्रीस्ट एंड सेज. फिर एक जो उनका हेड प्रीस्ट जो रहा होगा वो पूछता है, ओ वुमेन सोल व्हाट लाइट व्हाट पावर रिवील्ड वर्किंग द रैपिड मार्वल्स ऑफ दिस डे opens for us by thee a happier age. आज इतना कुछ घटित हो गया, पूरा जीवन बदल गया हमारा, हमारे लिए तो एक स्वर्ण युग आ गया. क्या है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी शक्ति का रहस्य क्या है, तुम अपनी मिस्ट्री को शेयर करो. कौन सा योग किया, कौन सा तप किया, किस मंत्र का जाप किया, हे सावित्री कुछ हमें बताओ. अब उत्तर देखिए, हर लैशेज फ्लटरिंग अपवर्ड्स गैदर्ड इन. क्यों, क्योंकि अब देखिए परफेक्शन, देखिए पोएट्री का. उन्होंने अपनी आंखें झुका ली थी जब सत्यवान उनकी प्रशंसा कर रहे थे, अब वो आंखें खोलती हैं. फ्लटरिंग टू ए विजन विच हैड स्कैंड इमॉर्टल थिंग्स रिजॉयसिंग ह्यूमन फॉर्म्स फॉर देयर डिलाइट दे क्लेम्ड for their deep childlike motherhood, the life of all these souls to be her life. वो देखती आंखें खोल के, ये सब अब मेरे बच्चे हैं, ये सारा जीवन मुझे संभालना है. क्योंकि उनके आंखों में इमॉर्टल विजन है. अब वो सब देखने के बाद वो मनुष्य को देख रही है, मर्तलों के प्राणी. Then
फॉलिंग वेल द लाइट, उन्होंने अपने वो जो प्रकाश निकल रहा था आंखों से उसको छिपाया. देन फॉलिंग वेल द लाइट, लो शी रिप्लाइड. गर्जना तर्जना करके नहीं, बस धीमे से उन्होंने कहा कि तुमने पूछा कि मेरे सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट. अवेकेंड टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव. And this, the magic of our golden change, is all the truth I know or seek, O sage. हे ऋषिगण, हे मुनिगण, मुझे तो केवल एक बात पता है कि मैं अपने हृदय के अर्थ को जान गई हूं, जिसके कारण मेरा हृदय धड़कता है. और वो क्या है कि जिनके हृदय में प्रेम है, फील लव और एकत्व है, वही जीवित हैं. Just imagine that to feel love and oneness is to live. और यही मुझे प्रतीत होता है कि हमारा जो change है, and this the magic of our golden change. और यही से ये change का कारण है. और इतना ही मैं जानती हूं और इतना ही मैं जानना चाहती हूं. Wondering at her and her two luminous words. कि क्या कह रही हैं. हम तो सोच रहे थे कि ये कुछ कहेंगी कि मैंने वो त्रिरात्र व्रत किया है, तप किया है. ये क्या बोल गई, प्रेम और एकत्व. वंडरिंग एट हर एंड हर टू ल्यूमिनस वर्ड्स, वेस्टवर्ड दे टर्न्ड इन द फास्ट गैदरिंग नाइट. ये तो सत्यवान का जीवन, ये यहां सावित्री. लेकिन सावित्री यहां भी समाप्त नहीं होती है. स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, सिंबल डॉन. और इसकी लास्ट थ्री लाइन्स पढ़िए. शी ब्रूडेड थ्रू द स्टिलनेस ऑन ए थॉट, डीप गार्डेड बाई हर मिस्टिक फोल्ड्स ऑफ लाइट, एंड इन हर बूजम नर्स्ड ए ग्रेटर डॉन. सुप्रामेंटल के आगे जो आनंद में जगत आने वाला है, डिवाइन मदर अब उसके बारे में सोच रही हैं. वो कब आएगा, कैसे आएगा. माँ एक जगह कहती है, माई चाइल्ड आई एम मूविंग वेरी फास्ट. तो मेरे साथ पेस नहीं रख सकते. इवन फिजिकली उनकी उनकी जो बहुत तेज चलती थी, आप पीपल डिडंट नो हाउ टू कीप पेस. तो कहती है, आई एम मूविंग वेरी फास्ट, आई एम गोइंग फार फार अहेड. तो खेल खेल में फिर कहती थी, यू कैन नॉट कैच मी, I can come down to you, I can hold you, and I can carry you if you want. यहाँ पर हम लोग रुकेंगे. सावित्री यहाँ समाप्त होती है, शुरू होती है. ग्रेटर डॉन. बहुत सुंदर. अगर कोई दो चार प्रश्न है, वी कैन हैव. तो हम लोग 4 बजे मिलेंगे फिर. संभव किया जाए, क्योंकि मन जो है वो वर्तमान में होते हुए कई भविष्य और भूत में गमन करता रहता है, और उसके कारण जो समर्पण की भावना है वो भी कई बार डगमगाती रहती है. तो वो कैसे समर्पण प्रारंभ होता है कॉन्सेक्रेशन से. कॉन्सेक्रेशन का अर्थ है कि जो कुछ भी हमारे अंदर घटित हो रहा है, हम उसको माता जी को देते रहते हैं. अब ये जो हम देते रहते हैं कि माँ, मेरा मन पास्ट में गया, जो कुछ हो रहा है, तो आप एक इमेज के थ्रू माता जी का नाम लेके यू कीप गिविंग इट. या कभी कभी लोग उस समय नहीं कर पाते हैं, तो एक अलग टाइम जब वो बैठते हैं तो उनके पूरे दिन में या आधे दिन में जो कुछ हुआ, मूल यानी कि सारा डिटेल में आपको करना है, वो माँ को देते हैं. कुछ लोग डायरी लिख करके कि मेरे जीवन में ये सब हो रहा है या मेरे माइंड में ये सब चल रहा है माँ, ये इट्स ए डायरी, मीन्स इट्स ए लेटर टू द मदर. इस प्रकार से आप देते हैं. इस देने के साथ एक अभिप्सा जोड़ दीजिए कि ये अभिप्सा मेरी है तो माँ की, भाई व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट. हे माँ, मेरे जीवन में केवल तुम रहो. अब ये मैं एक अभिप्सा बता रहा हूँ. ये अभिप्सा तो एक अपनी व्यक्तिगत चीज़ है. या मेरे जीवन में मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा टच हो सब चीज़ों में. या मेरे जीवन में इसको, ये जो विचार उठते हैं, ये जो भावनाएं आती हैं, इनको शुद्ध परिष्कृत कीजिए. तो
तो इस प्रकार से जब हम जाते हैं तो एक लंबे समय तक, लंबे समय मींस मंथ टू मंथ, कुछ लगे या कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भगवान देखते हैं कि ये ऑफरिंग सिंसियर है कि नहीं। आप पुराने समय में देखें कि यज्ञ में जब हवी चढ़ती थी तो सीधा नहीं आ जाते थे देवता उसको लेने के लिए, और दूसरा वो प्रीस्ट कौन होता था ये डिपेंड करता था। तो प्रीस्ट अगर केवल माइंड ऑफरिंग कर रहा है तो उतना सक्षम प्रीस्ट नहीं है। सो इसीलिए आवश्यक है कि हमारी चैतसिकता जितनी जल्दी बाहर निकले, तो अपने आप ये माइंड की पकड़ ढीली होती है। और ये जब आप ऑफरिंग करते जाएंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि आप चाहते हैं अंदर में ये अभिप्सा है कि ये थॉट्स, ये फीलिंग जो इधर उधर भटक रहा है, हमारा माइंड इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो आपके अनुरूप ढले, तो एक समय ऐसा आएगा जब स्वतः ही आपके अंदर एक अभिप्सा उठेगी कि मे आई थिंक व्हाट यू वांट मी टू थिंक, तो वो फिर परफेक्टेड हो जाता है सरेंडर। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, सरेंडर पूरी साधना है। शेरविन कहते हैं दिस योगा बिगिंस विद सरेंडर एंड इट एंड्स विद सरेंडर। बिगिंस विद सेंट्रल सरेंडर कि मेरा जीवन तुम्हारा है, मेरी डेस्टिनी तुम्हारी है, और आप जैसा चाहो वो मेरे जीवन में घटित हो, आज से मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन वो सरेंडर का मूल अर्थ तो ये होता है कि आपने जब दे दिया तो आपकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा, मैं जैसे चाहूँ, ये खत्म हो जाना चाहिए। सरेंडर का ओरिजिनल मीनिंग ये है, पर वो पार्ट्स हैं जो रेजिस्ट करते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, उनको ओल्ड कॉन्शियसनेस की आदत है। तो जब वो उठेंगे तो उनको माँ ये देखो मेरे अंदर ये भी है, आप इसको चेंज कीजिए, आई डोंट, आपके अनुसार जो शब्द होंगे वो निकलेंगे, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वे चीज़ें जो पहले भटका रही थी वो असंभव हो गई हैं, क्योंकि वो उसको हर लेती हैं और उसकी जगह पर अपना प्रकाश उड़ेल देती हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। और वही पूरा चलते रहना चाहिए, पूरे दिन रात सुबह शाम। अब इसमें जो हेल्प मिलती है वो मंत्र के द्वारा मिलती है, तो माता जी जप को भी बहुत, पर जब कौन से मंत्र का जो आपके अंदर स्पॉन्टेनियसली अराइज करे, इसमें कोई फिक्स्ड मंत्र नहीं है। हालांकि शेरविन ने कहा मदर्स नेम और माइन, दिस इज द ओनली मंत्र आई यूज्ड इन दिस योगा। तो कुछ लोग माताजी के नाम का जप करते हैं, श्री रामकृष्ण दास जो थे उड़िया बाबा तो बहुत इसके बारे में बोलते थे, माँ के नाम का जप। तो उस जप से ही बहुत सारी चीज़ें जो भटकाती हैं वो अपने आप असंभव हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो डेली लाइफ चलते फिरते जो कंसंट्रेशन है उसमें हमको एंगेज्ड होना चाहिए। इसका मतलब हमको सिंसियर बनना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जाओं को किस चीज़ों में नष्ट कर रहे हैं। अधिकांश आप देखेंगे तो हम, चाहे वो वाणी हो कर्म हो, व्यर्थ की चीज़ों के पीछे, तो ऊर्जा बस्ती कहाँ है ये जप करने के लिए या ध्यान करने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दैट एनर्जी।